मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है W20, स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि W20 महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के वास्ते प्रौद्योगिकी का किस तरह से लाभ उठाना है इसको लेकर मार्गदर्शन कर सकता है। महिला बाल विकास मंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 दिवसीय W20 महिला 20 की शुरुआत बैठक का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन G20 की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। W20 G20 के तहत एक आधिकारिक संवाद समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य G20 की चर्चाओं में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से शामिल करना और G20 के नेताओं की घोषणा में उन नीतियों और प्रतिबद्धताओं को जगह दिलाना है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात करते हुए ईरानी ने कहा कि आज हमारे कृषि समाज में 10 करोड़ महिलाएं कार्यरत हैं। हमारे पास 1.7 करोड़ महिलाएं हैं जो अपना समय विशेष रूप से पशुपालन में लगा रही है। भारत में इंटरनेट के 80 करोड़ उपयोगकर्ता है। क्या हम महिलाओं को केवल प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ता तक सीमित कर देंगे या हम समान हिस्सेदारी लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे। भाजपा ने औरंगाबाद से सेल्फी विद बेनिफिशियरी अभियान शुरू किया। भाजपा ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सेल्फी विद बेनिफिशियरी अभियान की शुरुआत की। अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक मेधा कुलकर्णी ने कहा कि इसमें पार्टी कार्यकर्ता भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं के 1 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचेंगे और उनके साथ सेल्फी लेकर उन्हें नमो ऐप पर अपलोड करेंगे। ईरानी ने कहा कि यह केवल सेल्फी के बारे में नहीं है, यह लाभार्थी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद भेजने का एक मौका है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।